हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आया हूँ हेमंत कुमार साहब का ये सॉन्ग जो बहुत ही मेलोडियस है और इतना पुराना गाना होने के बाद भी आज भी बहुत पसंद किया जाता है, बहुत गाया जाता है महफिलों में और बहुत ही इसकी डिमांड रहती है। तो आज हम सीखेंगे बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, बहुत ईजी सॉन्ग है सबसे अच्छी बात जो है, और बहुत कम कॉर्ड्स में आप इसको बजा पाएंगे। थोड़ा सा भी आप अगर प्ले करते हैं कॉर्ड्स को तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और बहुत ही अच्छे रिदम है, बहुत ही स्वीट और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आसान से रिदम है। तो सबसे चलते हैं इस गाने की ओर, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर बजाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसमें आपको कैसी लगी आज की लर्निंग। तो चले चलते हैं सीधे जम करते हैं हम गाने की ओर। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कॉर्ड कौन कौन से लगे हैं। तो इस गाने में कॉर्ड लगे हैं हमारे डी माइनर, एफ मेजर, सी मेजर, जी माइनर, और सेकंड स्टेंजा में डी मेजर और जी मेजर भी इसमें यूं है। तो इस तरह से ये कॉर्ड्स हैं इसमें। अब देखिए कौन सा कॉर्ड कहाँ लगा है वो जानने से पहले इसके रिदम को हम देख लेते हैं। रिदम इसकी बहुत सिंपल है, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन। मैं स्लो बताता हूँ, डाउन डाउन अप डाउन, 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 डाउन अप डाउन। ये बेसिकली स्विंग रिदम पे है, थोड़ा सा स्विंग फील है इसके अंदर। तो आप फर्स्ट बीट को थोड़ा ड्रैग कीजिएगा और सेकंड बीट को थोड़ा सा जल्दी लीजिएगा, ऐसे डाउन डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन। अब चलिए देखते हैं इस गाने में कॉर्ड कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉर्ड लगे, किस पोजीशन पे कौन से कॉर्ड लगे। चलिए बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। ये काली काली बदलिया जुल्फ की अदा चुरा न ले कहीं, देखिए ये शोक काली बिजलिया आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। और मैं माफ़ी चाहूँगा, लिरिक्स मैं थोड़ा याद नहीं कर पाया अच्छे से, बट आप मेलोडी को समझ के आप और कॉर्ड बजा पाएंगे, तो आई एम सॉरी, और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप जो है कॉर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रिदम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और कहाँ पे क्या कॉर्ड आ रहा है वो आपको मैं एक चैट बॉक्स में आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको डिटेल दे दूँगा कि कौन सी जगह पे कौन सा कॉर्ड लगाया। तो लिरिक्स के अकॉर्डिंग आपको उससे आसानी हो जाएगी, और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी बीट पे मतलब कौन सी जगह पे कौन सा कॉर्ड लगा है, और उस तरह से हमको इस गाने को निभाना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।